सर, उनको भी सर, मतलब हमारी दौड़ है हम लोगों का, ये पुलवामा में तजारत है कि बागान है, बागान है बहुत आपके। हाँ सर, अच्छा तो कैसा है फल? फसल अच्छा है, शुक्र अल्लाह। अच्छा, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा रहना चाहिए हमें, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। आप बड़ा जिंदगी है, कोशिश करिए सब लोग आराम से रहें। ऊपर वाले की मेहरबानी अल्लाह जो करता है, बस ऐसा है। वैसे नेक इंसानों की दुआ बड़ी पास है, असर भी होता है, और दुआ के लिए आप लोग बिल्कुल जितने रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ होगा। आपकी हिफाजत, आपकी सलामती, यही हम लोगों का हक है। किस तरह से यह खुशहाली आए, किस तरह से आप, आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे यहाँ पर सुकून से रह सकें, आगे बढ़ सकें, दुनिया में अपना नाम कमा सकें, अपने लिए, अपनी तजारत, अपने मजहब, अपने उसके लिए इस्लाम की हिफाजत कर सकें, और एक अच्छे इंसान की तरह क्या रोज़ रोज़ को बंद करके रखा हुआ के बंदी जाए, इसको हटा के एक नया माहौल, एक नया लोग, लेकिन क्या करें, ये निज़ाम भैया जहाँ जहाँ सरकारें चलाती हैं, स्कूल हो, अस्पताल हो, वहाँ पर पैसे तो कम लगते हैं, लेकिन फर्क सभी क्योंकि सरकार ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकती, प्राइवेट स्कूल वालों का बोल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हर कोशिश होनी चाहिए तालीम के लिए जो है सस्ती तालीम जो है हर देखिए इन्हीं तकलीफों का इलाज करने के लिए मरकज में कुछ कदम टेम्प्रेरी कदम आए थोड़ी देर से एक बार जो सिलसिला और एक अच्छा निज़ाम बन जाए, फिर उस निज़ाम के अंदर में तब्दीलियाँ आएंगी तो ज़्यादा पुख्ता और ज़्यादा देर तक के लिए, क्योंकि जब शिक्षा बिगड़ जाता है उसको सुधारना तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक कि सारी उम्र के लोग वो तो सर्दी कभी सर्दी कर बिगाड़ने में मिनट लगता है, सुधारने में तो उम्र बढ़ती है। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग गुस्से में हैं, उनके गुस्से में, उनके दर्द में, उनके दुख में मैं शामिल होने के लिए जा रहा हूं। सर ये भी मांग की जा रही है कि वहां इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं, वहां तो कुछ भी नहीं है, वहां तो टेलीफोन भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है, मैसेज भी नहीं है कोई नहीं। और जहां किसी को डिश होगी टेलीविज़न चलता है, बाकी टेलीविज़न वो भी नहीं चलता है, कोई वहीकुलर ट्रैफिक नहीं है, तो इन हालात में तो, और कर्फ्यू से ये पहली शायद स्टेट बनी होगी जिसको यूटी बनाया होगा और पूरे स्टेट में 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में कर्फ्यू लगा के कानून बनाना, कहीं हिंदुस्तान में और दुनिया में आज तक सुना है कि आप कोई कानून बनाओ और पूरी स्टेट में कर्फ्यू लगाओ? किसी को साथ ले सकते हो? सर पाकिस्तान ने जो राजनीति, अमेरिका ने एक बात बोली है कि भारत ने कंसल्ट नहीं किया 370 पर, फ्लोर पर कहते हैं कि ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब पर वहाँ गए हैं, वहाँ लोग साथ में उनसे घुल मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, तो कांग्रेस कह रही है वो पैसे देकर उनको हमने खड़ा किया। इस तरह का इल्ज़ाम पाकिस्तान के लोग लगाते हैं, आप हिंदुस्तान की पार्टी हैं, आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाते हैं, इस तरह का इल्ज़ाम अगर आप लगाते हैं, इस बयान का उपयोग पाकिस्तान दुनिया के फोरम पर करेगा, तुरंत उनको इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए।